दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तस्कुरेशी। दोस्तों, मैं इस वक्त यूनान का एक जज़ीरा है जिसका नाम कोर्फू है, वहां पे खड़ा हूं। और मैं सोचा क्यों ना आपको बताऊं कि जहां से पाकिस्तानी लोग या दूसरी कंट्रीज के लोग आते हैं और डंकी लगाते हैं अल्बानिया से, तो मैं इस वक्त जो है यूनान के एरिए में खड़ा हूँ। यूनान का जज़ीरा है कोर्फू, और जो दूसरी तरफ है मैं दिखाता हूँ वो है अल्बानिया, जहाँ से ये एक बहुत बड़ी नहर है, समंदर भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहर ही लग रही मुझे, जहाँ से डंकी लगाई जाती है। तो अगर मैं घुमा के दिखाऊँ आपको, तो आपके मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है बैक साइड पे जो जगह है ये अल्बानिया है, और वहाँ से जो है डंकी लगा के इस साइड पे आ जाता है। ये बहुत ही डेंजरस जगह है, देखने में छोटा सा जो है लग रहा है ये डिस्टेंस, लेकिन बहुत बड़ी डिस्टेंस है और तैर के तो आप आ नहीं सकते इसके अंदर। दोस्तों, ये जो दूसरी साइड आपको नज़र आ रही है ये अल्बानिया है, और ये जो सामने बोट्स आपको नज़र आ रही हैं ये उस तरफ की बोट्स हैं। उस तरफ की जो बोट्स हैं वो इस तरफ नहीं आ सकती, इनके बॉर्डर एक किस्म का ये, और वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती। और इसी तरह ही इस साइड की जो यूनान की साइड की जो बोट्स हैं वो दूसरी तरफ किनारे पे नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में का बॉर्डर है और बॉर्डर कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह डंकी लगाई जाती है, मोस्टली रात को डंकी लगाते हैं। मैं सामने अभी कमरे घुमाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये सामने और खड़ी है, ये नहीं, वो ज़रा आगे जो दरख्त हैं वहाँ पे, वहाँ पे जो है रात को डंकी लगा के और कश्ती से जो है वो आया जाता है, वो जो जंगल साहब को नज़र आ रहा है, और रात को फिर इसी जंगल में ही रह जाता है और सुबह तक का वेट किया जाता है, थोड़ी रोशनी होती है तो फिर जो एजेंट होता है या जो डंकी लगाने वाले लड़के होते हैं वो फिर अपने ठिकानों में उनको लेके जाया जाता है। और यहाँ पे फिल देखने में सख्ती नहीं है ऐसी कोई कि यहाँ पे कोई आपको रोकता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहरी बात है जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं उन की बाकायदा वो यहाँ पर कंट्रोलिंग होती है, इनकी वो क्या कहते हैं गश्त करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा जो है आपको कहता हूँ यार कि डंकी लगा के नहीं आओ, अगर आना भी है वीज़ा लगा के आओ। मैंने अपने आंखों से देखे हैं जो लोग मर जाते हैं या रास्ते में लाशें पड़ी हुई हैं उनकी, तुर्की और यूनान का स्पेशली बॉर्डर क्रॉस करते हुए, वो भी एक बहुत डेंजरस जो है वो तरीका है। कोशिश करो अगर आना वीज़ा लगा के आओ। अब देखो जिस तरह ये मैं आपको जगह दिखाई है कितनी डेंजरस जगह है, और हमारी जो पाकिस्तान की नहरें हैं वो तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, और ये कितना लंबा जो है ना वो रास्ता है ये। और अगर आप बहुत अच्छे से अच्छे आप तैराकी कर सकते हो तो आप फिर भी आप जो है ये क्रॉस नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा एरिया है, ये देख लें बहुत लंबाई है इस एरिया में। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों इस तरह करते हैं, हम लोग क्यों डंकी लगा के आते हैं और अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। हालांकि मोस्टली मैं लोगों से मिला हूँ जो डंकी लगा के आए हैं, स्पेशली यूनान में यहाँ पे काफ़ी बंदों से मुलाकात हुई है, वो बताते हैं पीछे जी हमारी ज़मीनें थीं या इस तरह का कारोबार था, ये है वो है, शॉप्स थी, वो बेच के आए। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब वहाँ पे इतनी अच्छी, अगर कंपेयर टू यूनान अगर आप देखें तो ये जो लाइफ इनकी यहाँ पे, ये बहुत अपना पाकिस्तान में बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। अब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगर किसी घर पे जाके मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ तो दिखाऊँ आपको कि कैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह रह रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी है यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, एक रूम में आठ आठ लड़के रहते हैं, पाँच पाँच लड़के रहते हैं, या एक घर में आठ आठ लड़के रहते हैं, बहुत बुरी हालत है, यकीन करो। मैंने अपनी आंखों से देखे जो लोग सेट है ना, सेट किस तरह है, क्योंकि वो लोग भाई वो पाकिस्तान से जब आते हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पे होते हैं, स्पेशली भाई वगैरह या चचा वगैरह मामू वगैरह, तो उनको थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। संभालना क्या होता है कि उनको खाना वाना और बिस्तर चाहिए होता है, उसके अलावा संभालना कुछ नहीं होता। और जो लोग बेचारे आते हैं जिनको कोई नहीं होता, वो जलील उखार हो जाते हैं। फिर कितने मैं लोगों, मैं कम से कम 50 लोगों मैं जानता हूँ जो मेरे गांव के हैं, वो यहाँ पे आए हैं और फिर वो वापस भी चले गए हैं, कोई महीने बाद चला गया, कोई साल बाद चला गया, कोई 2 साल बाद चला गया, तो सब वापस चले गए हैं। और
क्योंकि उसकी वजह ये, जब पाकिस्तान से हम यहाँ पे आते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब लेके आते हैं, हम ये सोचते हैं मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो मैं यूरोप में चला जाऊँगा किस्म का, तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन मैं कितनी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जो यूनान है वो यूरोप से बहुत के दूर है। यूनान जो है वो तो क्या तुर्की, तुर्की ईरान के साथ लगता है, ईरान पाकिस्तान के साथ लगता है, तो इनके नज़दीक ही है। लेकिन असल जो यूरोप हो गया, जो फ्रांस आयरलैंड जर्मनी वगैरह है, ये तो बहुत दूर है, कम से कम बाई एयर आते हैं तो 3.5-4 घंटे लगते हैं। तो फिर हम जब आते हैं यहाँ पे स्पेशली यूनान में, तो फिर हमारे जो है ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाते हैं, हम कहते हैं हमने ये क्या किया, और कुछ लोग मर जाते हैं। बहुत दुखी कहानी, अभी मेरे साथ एक लड़का है जिनसे मैं मिला हूँ यहाँ पे यूनान में, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जब डंकी लगा के आए थे तो घर से 5 लड़के चले थे, जिसमें से 2 लड़के पहुँचे हैं, 3 रास्ते में मर गए थे। और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो है एक रास्ते मर गया था, फिर 4 रह गए, तो 2 जो हैं जब ये बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है कश्ती के ज़रिए, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है कि वो जो बोट थी जिसमें उनको डंकर ने बिठाया था, वो बोट एक बैटरी वाली उसकी, उसका इंजन था, बैटरी के साथ चार्ज हुआ हुआ था, और उसमें कह रहा है हम बैठे हैं, जब हम बैठे हैं तो हम तकरीबन कोई 100 मीटर अंदर गए हैं, उस तरफ से जब आए हैं तो बोट फट गई। जब बोट फटी है तो कहता है कि पानी जो है ना हमारे तकरीबन 3-3 फुट पानी था, तो इसलिए कह रहे फिर वापस लग गए। फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा कहता है हमने डंकी लगाई है, जब डंकी लगाई है तो जब हम जो है उस पर पहुँचने वाले थे तो हमारी जो है बोट फट गई थी, और जिसमें 2 लड़के जो है वो मर गए डूब के, जो साथ है बाकी जो लड़के हैं जो है कि जिसका वो बता रहा मुझे कि हमें तैरना आता था या हम बच गए हैं, कुछ जो दूसरी साइड पे लोग थे, क्योंकि ये जो साइड है ना मैं अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी बहुत ना इस साइड पर कश्तियाँ वगैरह हैं ना, अगर मैं दिखाऊँ आपको फिर आपको नजर आ रहा होगा मेरी बैक साइड पर, तो ये कश्ती वगैरह है, ये यूनान की साइड है, तो अक्सर यहाँ पे लोग होते हैं, जिस तरह ये भी कश्ती जा रही है अगर आपको नज़र आ रही हो, तो इस तरह कश्ती वगैरह थी तो उनको बचा लिया गया। और ये कह रहे हैं कि इनको भी 3 साल यहाँ पे हो गए आए हुए, और कभी दिहाड़ लगती है कभी नहीं लगता, कभी काम होता है कभी नहीं होता, और ही सेइंग ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और वो वापस जाना चाहता है, लेकिन कहता है कि मैं जब आया था बहुत ख्वाब लेके आया था, बहुत पैसे जो हैं ज़ाया किए हैं, टाइम भी ज़ाया किए हैं, मैं वापस जाके क्या करूँ। बहुत दुख लगता है सुन के, बहुत ज़्यादा दुख लगता है, आई विश मैं कुछ कर सकता और मैं अपने भाइयों को बचा सकता इस जो है जानलेवा डंकी से, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, ऑफकोर्स मेरे बस में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ या यूनान में स्पेशली बहुत दफ़ा आता हूँ मैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ और वीडियो के थ्रू अपना जो है मैं रोल प्ले करूँ, ताकि आप लोगों को कम से कम मैसेज पहुँचे, और अगर एक बंदा भी मेरी वजह से एक बंदे की लाइफ बच जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों प्लीज़, जो दोस्त पाकिस्तान में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये, घर से निकलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, और ये ना सोचें यार ज़िंदगी अगर हुई तो हम पहुंचेंगे, ये वो ऐसी चीज़ सोचते हैं। देखो अगर मैं जंप मारूंगा यहाँ पानी में तो मैं तो डूबूंगा ना, मुझे तैरना अगर नहीं आता तो मैं डूब नहीं है, तो अगर मैं सोचूँ यार ज़िंदगी हुई तो मैं बचूंगा, इस ये बेवकूफ़ी, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग दिया हुआ है, मैं अकल दी हुई है, और फिर भी हम ऐसी बातें करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे दोबारा इल्तिजा है, जब वहाँ से आएँ 1000 दफ़ा सोचें, अपने माँ बाप का कम से कम सोचें, और आने से पहले जो है कोशिश ये करें किसी और मुल्क में चले जाएँ, और भी इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतने सारे मुल्क हैं, तो वहाँ पर आप चले जाओ, और मुश्किल है जाना, जितने पैसे यहाँ पे आप दे के आते हो, जितनी एफर्ट्स करके आते हो, जितनी है कि 3-4 महीने आप लोग चढ़ के यानी कि आते हो रास्ते में, इतनी मुश्किलें होती हैं, तो आप अगर वही कोशिश करो, आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा ट्राई करो, वीज़ा कोई ट्राई नहीं करता, मैंने आप दूसरी वीडियोज़ में इतना डिटेल के साथ बताया भाई यार कैसे आप लोग वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कैसे आप लोग बैंक स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, असल में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमसे कोई पैसे 2-4-8 लाख ले ले, उठा के हमें बस हमें यूरोप में बिठा दें, इस तरह नहीं होता। मैंने पहले भी बहुत फर्क है, देर इज़ नो शॉर्टकट, देर इज़ नो शॉर्ट वे, जो भी चीज़ होती है प्लानिंग से करो, प्लानिंग से करोगे तो हो जाती है। जब बच्चा पैदा करने के लिए शादी करनी पड़ती है, उसके बाद 9 महीने बाद जाकर बच्चा होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, तो हम कैसे हम कह लेंगे जी नहीं जी मैं जो है एकदम सेट हो जाऊँ और ये हो जाए वो हो जाए।
खैर एनी वे आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बखूबी पहुँच सके। अपने दोस्त तस्कर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।